आप देख रहे हैं जेके न्यूज टुडे, मैं आपके साथ हिमानी कंधारी। जम्मू से श्रीनगर ट्रैवल करना हो तो ट्रैवल टाइम कम हो सकता है अगर बन टोल प्लाजा की मैनेजमेंट सही हो। यहाँ कई वजह से लंबी कतारें होने के कारण लोगों को काफ़ी समय यहाँ वेट करना पड़ता है। बन टोल प्लाजा पर इंस्टॉल्ड ऑटोमेटिक फास्ट टैग स्कैनर्स का सही से ना काम करना भी एक बड़ी वजह सामने आ रही है। चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वह कितनी परेशानी में है। पैथेटिक वर्स, मतलब मेरा फास्ट टैग कि इनके सिस्टम में, अभी इनको सर को यही बता रहा था, मैं कहा ये इनका सिस्टम इतना ज़्यादा हैंग होता है पूछो ही मत, और ऊपर से लड़ाई। फिर इन्होंने बोलना कि जी आपका टैग ही जो है टर्मिनेट हो चुका है, ख़राब हो चुका है। कई बार मेरी तो हर बार लड़ाई होती है, मैं तो इस बार सोच रहा भैया कि भगवान दे और टैग खुले और जाएँ हम। मतलब ये हाल है, पैथेटिक। मैंने बोला एवरी थिंग इज पैथेटिक, दे नीड टू रिफ्रेश ईच एंड एवरी थिंग, देयर सिस्टम्स, देयर सॉफ्टवेयर, देयर स्कैनर्स, देयर आई थिंक जो कंप्यूटर में इन्होंने जो विंडोज डाल रखी है वो इतने बेकार है। प्लस द पीपल हु आर सिटिंग, एटलीस्ट तमीज से बात तो करो, तहजीब से तो बात करो, वो भी पैथेटिक है। सर, NHAI का रूल है कि अगर टोल लिया जा रहा है तो रोड की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, रोड कैसी है आपको अभी तक? मतलब आप लगा लो कि 70-80% इज गुड, नॉट अप टू दैट मार्क। कंस्ट्रक्शन चल रही है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, बहुत बुरा हाल है, आगे तो देखना। अगर कंस्ट्रक्शन चल रही है इनको एटलीस्ट फीस कम करनी चाहिए या टोल थोड़ा टाइम के लिए बंद। यस, समथिंग शुड दे शुड एटलीस्ट डू, कुछ अच्छे से वे बनाए। और इतना अच्छा हाईवे था उसको सत्यानाश कर दिया उन्होंने, मैं तो यही कहूंगा। दैट इज इट, doesn't seems to be any solution for this. This is not for the first time I'm traveling from this road. जी. I come here like every fortnightly and this is the same situation every time. We don't know for why I'm paying the toll charges. बेटे रोज आते हैं तो, मगर इनका जो टोल प्लाजा का जो सिस्टम है ना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जहाँ से अनपढ़ बंदे रखे हुए हैं, बिल्कुल एक एक आधा आधा घंटा लग जाता है। कई बार हम ऐसे जाम में फंस जाते हैं कि पीछे से एम्बुलेंस आ जाती है, मगर इनको कोई असर नहीं होता है। इन्हें मुझे समझ नहीं आती कि करते क्या है ये, इनको पूछने वाला भी कोई नहीं है, तो हम तो कुछ नहीं बोल सकते इनके बारे में। इनकी जो ये टोल लेते हैं वो कितना है? टोल तो ये जो सही टोल है वही लेते हैं, टोल सही लेते हैं, मगर वेटिंग बड़ी है, वेटिंग बहुत ज़्यादा है। टोल सही लेते हैं मगर ये तो पता नहीं चलता कितना ले रहे हैं कितना नहीं ले रहे हैं, जो ऊपर लगे तो फास्ट में लेते हैं। ये आप देख सकते हैं एम्बुलेंस आई है और एम्बुलेंस को भी जाने के लिए जगह ढूंढनी पड़ रही है इस बन टोल प्लाजा की वजह से, जबकि एम्बुलेंस के लिए तो एक अलग से जगह होनी चाहिए। या फिर जो इनका 3 मिनट रूल है, पहले हम आपको बता दें कि 10 सेकंड रूल हुआ करता था, बट उसके बाद ये 3 मिनट रूल कर दिया गया। क्या बोलूँगा इस पर, अब आपके सामने ही है। और वेटिंग कितनी होती है यहाँ पे आपके सामने देख लो, 170 रुपये है एक साइड का, आधा आधा घंटा लग जाता है इधर टोल पर। कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी, कहीं कहीं फ्लाइटें ट्रेनें मिस हो जाती है। मैम 180 है, अभी मैं एक साइड से जाऊंगा, अभी कल आऊंगा, जहाँ अगर आज ही आगे तो 80 और लगेंगे जी। तो फिलहाल तो यहाँ पे आके बड़ा वेट करना पड़ता है। और कैसी मैनेजमेंट है? बिल्कुल फेल है मैडम, मैनेजमेंट है ही नहीं यहाँ पे, कुछ वेट तो करना ही पड़ता है जब तक ट्रैफिक है आगे। तो फिर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए ना, इनको निकालना चाहिए गाड़ियों को, यहाँ तो 10-15 मिनट भी लग जाते हैं, लोगों से इतना चार्जेस करते हैं, तो रोड भी ठीक ना हो तो फिर क्या एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे, ये तो उनको चाहिए ना करना। तो कितनी वेटिंग है यहाँ? अभी तो हम लगे बैठे हुए हैं, अब क्या पता कब तक गाड़ियाँ निकलती हैं, तब तक वेट करना ही है, आर के रहना। सर, बन टोल प्लाजा की मैनेजमेंट कैसी है? ओ मैं बेकार है, बिल्कुल बिल्कुल ना, बिल्कुल बेकार। तो आपने देखा कि बन टोल प्लाजा में मिसमैनेजमेंट की वजह से लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस टोल प्लाजा के बारे में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टोरी जल्द लेकर आ रहे हैं, हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए जेके न्यूज़ टुडे। वीडियो जर्नलिस्ट काकाराम के साथ मैं हिमानी कंधारी।